जोन। बेसिक कंप्यूटर सीरीज हम कवर कर रहे हैं जिसमें अभी तक हमने डिफरेंट टॉपिक कवर किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, 60+ लेक्चर्स वहां पर हैं जिसमें आप अलग अलग टॉपिक समझ सकते हो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम समझने वाले हैं कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन होती है, कौन से टाइप के कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो कौन कौन सी है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है, अगर से इसके हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो माना जाता है कि 1937 से 1953 तक ये जो टाइम ड्यूरेशन थी उस टाइम में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का यूज हुआ था। और जो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये जो था ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इस जनरेशन में यानी कि फर्स्ट जनरेशन में अगर से आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है तो उसमें मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इसी वजह से ये साइज में काफी बड़े होते थे। साइज में बड़े होने से स्पेस ज्यादा कवर करने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी ज्यादा यूज करते थे। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होने से ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट करते थे। सो ये थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जिसमें क्या होता था, मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। सो हम कंप्यूटर की बात करें तो फर्स्ट है ENIAC, EDVAC, थर्ड है EDSAC, फोर्थ है VNI VAC एंड Mark 1। सो ये कुछ कंप्यूटर के नेम थे जो फर्स्ट जनरेशन में यूज किए जाते थे। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की। तो अगर से हम इसका टाइम ड्यूरेशन देखें तो 1954 से लगभग 1962 तक ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पे सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका यूज हुआ। सो इस जनरेशन में क्या हुआ, अब कुछ तो चेंज हुआ होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन के जैसे ही सिमिलर रहा होगा। जब जनरेशन चेंज हुई है यानी कि उसका कुछ मॉडल या कुछ चीजें उसमें चेंज हुई होंगी, तो देखते हैं क्या चेंज हुआ था। इसमें जो आप मेमोरी की जो हम बात कर रहे थे फर्स्ट जनरेशन में, वहां पे हम यूज कर रहे थे वैक्यूम ट्यूब। तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया और यूज किया गया ट्रांजिस्टर का। साथ ही कंप्यूटर में मैग्नेटिक केयर का यूज प्राइमरी मेमोरी में एंड मैग्नेटिक टेप का यूज एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज सेकेंडरी मेमोरी में किया गया था। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन में। इसमें असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोरट्रान कोबोल का यूज किया गया। अगर से हम कंप्यूटर की बात करें तो इस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उनके नेम थे IBM 6020, IBM 7094, CDC 1604, CDC 36। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का। तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे इसका अगर से हम टाइम ड्यूरेशन देखें तो ऐसा माना जाता है कि 1963 से 1972 तक थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका यूज हुआ। सो थर्ड जनरेशन में जो क्या हुआ कि जब हम ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे थे सेकेंड जनरेशन में, है ना, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम IC कहते हैं। सो फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या देखा, मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा था, फिर उसे छोटा करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज हुआ और ट्रांजिस्टर से भी छोटा क्या आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का यूज हुआ। सो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप को रखा गया जिस वजह से कंप्यूटर की जो स्पीड एंड वर्किंग है ये इंक्रीज हुई। अब हम यहाँ पे बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पर रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर यूज किया गया। अब लैंग्वेज की अगर से हम बात करें तो फोरट्रान 1-4 एंड कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल, ये कुछ जो लैंग्वेज है उनका यूज किया गया। साथ ही इसमें माउस एंड कीबोर्ड का भी यूज किया गया थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। अगर से हम कंप्यूटर के नेम की बात करें तो IBM 360 सीरीज, है ना, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP यानी कि पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370/168 एंड TDC 316 का इसमें जो कंप्यूटर थे इनका यूज किया गया, ये उन कंप्यूटर के नेम है। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। सो फोर्थ जनरेशन का जो टाइम है वो माना जाता है 1972 से 1984 तक, 72 से 84 तक। सो ये फोर्थ जनरेशन का टाइम था। अब यहाँ पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि VLSI का यूज हुआ। इस VLSI सर्किट में एक सिलिकॉन चिप पर
लगभग 5000 रजिस्टर एंड अदर सर्किट प्रेजेंट होते हैं, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। साथ ही इस जनरेशन में इंटरनेट, GUI एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि MS DOS, MS Windows एंड Apple OS डेवलप हुए थे। अब हम कंप्यूटर की बात करें तो DEC 10, Star 1000, PDP 11 एंड PCS। सो ये कुछ कंप्यूटर थे जो फोर्थ जनरेशन में यूज हुए। अब बात करते हैं हम फिफ्थ जनरेशन की। सो फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम माना गया है वो माना गया है 1984 से 1990 तक का। इसमें जो प्रेजेंट के जो कंप्यूटर को एंड फ्यूचर में आने वाले कंप्यूटर को यूज किया गया है, शामिल किया गया है कि जो हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं एंड जो फ्यूचर में आने वाले हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल, फास्ट एंड हाई टेक्नोलॉजी एंड लार्ज मेमोरी वाले थे, ठीक है। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि ULSI का यूज हुआ। इसमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर में लगभग 1 करोड़ कंपोनेंट आ सकते हैं। ये जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। एंड जो फिफ्थ जनरेशन का टारगेट है, ऐसे डिवाइस को डेवलप करना जो इजीली लैंग्वेज का यूज करके लोगों को आंसर कर सके, इसमें कंप्यूटर ह्यूमन के जैसे वर्क कर सके। इसके लिए C, C++, जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अगर से हम कंप्यूटर की बात करें तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये सारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ जनरेशन, यानी कि इंटेलिजेंस कंप्यूटर जनरेशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो सिक्स्थ जनरेशन है इसे जाना जाता है इंटेलिजेंस के फॉर्म में, ठीक है। इसकी जो स्टार्ट हुआ, इसका जो स्टार्ट हुआ वो हुआ 1990 से, जो अब तक माना जा रहा है, जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। ये कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए सुपर कंडक्टर का यूज करते हैं। साइज की अगर से हम बात करें तो ये साइज में छोटे होते हैं बट बहुत फास्ट होते हैं। इसमें इंटेल प्लेटिनम एंड इंटेल सेलेरॉन प्रोसेसर का यूज किया गया है, लेकिन ये प्रोसेसर अब तक ड्यूअल कोर, ट्रिपल कोर एंड क्वाड कोर के फॉर्म में आने लगे हैं। इसमें पैरेलल वेक्टर टेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है सिक्स्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। अगर से हम इसमें यूज होने वाले इस जनरेशन के कंप्यूटर के नेम की बात करें तो ऑप्टिकल कंप्यूटर, होलोग्राम कंप्यूटर, पैरेलल वेक्टर कंप्यूटर, ये कुछ कंप्यूटर्स हैं। अब हम समझते हैं, ये तो बात हो गई जनरेशन की, टोटल सिक्स जनरेशन हो गई, आपने उनके सीक्वेंस में समझ लिया कौन कौन से कंप्यूटर थे, किस टाइप से उनमें चेंजेस आए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। सो हम बेस्ड बात करेंगे पहले हम कि वर्किंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हम बात करते हैं। सो फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो है ये ऐसे कंप्यूटर है जो कंटिन्यूअसली फिजिकल फैक्ट जिसमें चेंज होते रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक क्वांटिटीज एक्सेट्रा। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल है। सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है ये 0 एंड 1 पर बेस्ड होते हैं, जिन्हें कि बाइनरी नंबर कहा जाता है, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा। थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। इसमें कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग डिजिटल वे में होती है बट इनपुट आउटपुट जो होता है वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में होता है। इस टाइप के कंप्यूटर हॉस्पिटल में, डिफेंस में, साइंस फील्ड में किए जाते हैं। अब आप सिंपल देखो, हॉस्पिटल हमने कहा है, आपने कुछ हार्ट बीट थी या फिर कुछ भी चेंजेस थे आपको डिजिटल सिग्नल में दिखे, तो वहां पर डिजिटल का भी यूज हुआ एंड एनालॉग सिग्नल का भी यूज हुआ है। अब हम बात करते हैं सेकेंड जो है शेप एंड साइज के बेसिस पर कंप्यूटर कौन कौन से टाइप के होते हैं। अभी हमने देखा उनकी वर्किंग टेक्नोलॉजी के बारे में, उससे पहले हमने समझा जनरेशन के बेसिस पर, अब हम बात करते हैं शेप एंड साइज के बेसिस पर। सो फर्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर साइज में बड़े होते हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इनके वर्क करने एंड एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत फास्ट होती है एंड हाई होती है। इसमें मोस्टली 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। इस पर कई लोग एक साथ अपना वर्क कर सकते हैं, अलग अलग वर्क कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन रहकर भी लार्ज अमाउंट में डेटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। इस कंप्यूटर का यूज बड़ी कंपनीज में, बैंक में, रिसर्च में, स्पेस में किया जाता है। ये हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब जो सेकेंड कंप्यूटर है वो है मिनी कंप्यूटर।
ये जो कंप्यूटर है ये मेन फ्रेम से थोड़ा छोटा होता है बट माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है। इसमें भी बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, इसमें भी कई सारे लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं एंड कंप्यूटर का भी यूज बड़े ऑफिस में या फिर कंपनी में रिसर्च में किया जाता है। यह मिनी कंप्यूटर। थर्ड है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का डेवलपमेंट 1970 के स्टार्ट में हुआ जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। इसका डेवलपमेंट सबसे पहले आईबीएम कंपनी ने किया था, माइक्रो कंप्यूटर का डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें 8, 16, 32 या फिर 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। ये वीएलएसआई एंड यूएलएसआई के यूज में साइज से छोटा हो गया है, मतलब इसमें वीएलएसआई का यूज हुआ, यूएलएसआई का यूज हुआ, जिससे क्या हो गया, माइक्रो कंप्यूटर और छोटा हो गया। बट हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई। अब बात करें अगर से इसमें मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट के आने से, जो माइक्रो कंप्यूटर था इसका यूज हर फील्ड में होने लगा है ना। यूज अगर से हम देखें तो होम में होने लगा, आप घर में यूज करने लगे, ऑफिस में, स्कूल में, बिजनेस में, एंटरटेनमेंट में, तो इन सारी जगह पे माइक्रो कंप्यूटर का यूज होने लगा। वो है पर्सनल कंप्यूटर। आजकल यूज होने वाले पीसी जो है वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। ये स्मॉल साइज का बेसिक वर्क के लिए बनाए गए थे। ठीक है, इसे एक बार में एक ही पर्सन यूज कर सकता है। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे एक साथ कई वर्क करने की कैपेसिटी है। पर्सनल कंप्यूटर को टेलीफोन एंड मॉडेम की हेल्प से इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। जो फिफ्थ है वो है नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप। ये नोटबुक के शेप में स्मॉल कंप्यूटर होता है। इसमें भी पर्सनल कंप्यूटर के जैसे ही सभी फीचर्स होते हैं। इसे आप कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब जनरली आप इसका यूज अपने गोद में रख करके करते हैं, अपनी गोद यानी कि लैप में रख कर करते हैं, इसलिए इसे लैपटॉप कहा जाता है। इसमें एलईडी जो मॉनिटर होता है वो एलईडी मॉनिटर होता है। ठीक है, कीबोर्ड होता है, टच पैड होता है, हार्ड डिस्क होती है और सीडी डीवीडी होती है एंड अदर पोर्ट होते हैं। इसमें चार्ज करने के बाद, आपने एक बार चार्ज कर लिया तो कुछ टाइम के लिए, कुछ आवर के लिए जो चार्जेबल बैटरी होती है उस पर आप वर्क कर सकते हो। अगर से पावर कट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस कंडीशन में भी आप लैपटॉप पे वर्क कर सकते हो। इसमें इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आप वाईफाई एंड ब्लूटूथ का यूज कर सकते हो एंड इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। सिक्स जनरेशन है यह सुपर कंप्यूटर। ये अब तक के सबसे ज्यादा पावरफुल एंड कॉस्टली कंप्यूटर है। इसमें कई प्रोसेसर पैरेलल कनेक्ट होते हैं। इस तरह इसमें मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। अगर से हम इसके यूज की बात करें तो जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वहां पर तेल खदानों का पता करने के लिए, स्पेस रिसर्च में, साइंस में, ऑटोमेटिक व्हीकल की डिजाइन करने में, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। सो हमने क्या समझा, कंप्यूटर की जनरेशन समझी, उसके बाद हमने समझा क्लासिफिकेशन उसके वर्किंग के बेस पर, फिर हमने देखा शेप एंड साइज के बेसिस पर कंप्यूटर कौन कौन से टाइप के होते हैं। सो कंप्यूटर के बारे में एंड उसके टाइप के बारे में आपको जो डिफरेंस था वो आपको समझ आ गया होगा एंड जो जनरेशन थी, जो सीक्वेंस था, क्या क्या चेंजेस हुए, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर से आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो। साथ ही आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक करो, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स मिलेंगे। बेसिक कंप्यूटर की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है और हम सीक्वेंस में यहाँ पर भी कवर कर रहे हैं, तो आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हो। अगर से वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो और चैनल को अब सब्सक्राइब कर दो, अभी तक भी नहीं किया है तो। थैंक यू।